सीबीआई ने अभी तो रिया से पूछताछ शुरू भी नहीं की थी कि रिया ने अपना आपा खो दिया। सुबह 10:00 पर जब रिया अपने घर से निकली तो सीधा डीआरडीओ ऑफिस जाना था, जहां सीबीआई के अफसर मौजूद थे। आगे पीछे मीडिया का जमावड़ा था, उनकी गाड़ी को कवर किया जा रहा था, हर कोई उनकी तस्वीर दिखाना चाहता था कि आखिरकार रिया का मूड कैसा है, किस तरीके से रिया टेंशन में है, क्योंकि अब तक तो इंटरव्यू हो या कहीं भी रिया रोती गिड़गिड़ाती नजर आई, ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ किया ही नहीं। और आज जब मीडिया का जमावड़ा देखा तो रिया अपना आपा खो बैठी, मानो ऐसा लग रहा था कि रिपोर्टर को वो थप्पड़ मारना चाहती है, चाटा मारना चाहती है। और उसकी ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उसने कोहनी दे मारी। हालांकि ये कोहनी शीशे पर लगी, अगर खुला होता तो रिपोर्टर के मुंह पर लगती या कैमरामैन को मार देती। ये तब की तस्वीर है जब सीबीआई ने पूछताछ भी शुरू नहीं की थी और रिया इस तरीके से डरने और घबराने लगी थी और घबराहट में किस तरह की हरकत कर रही थी, मानो अपनी उत्तेजना दिखाकर वो ये बताना चाहती हो कि भाग जाओ यहां से। मानो ऐसा लग रहा था कि उसका गुस्सा देख पत्रकार सवाल पूछना बंद कर देंगे, क्योंकि कल आंसू देखे और आज गुस्सा देख लीजिए। ये गुस्सा बता रहा है कि रिया सच छिपा रही थी, रिया को सच से डर लग रहा है। अगर डर ना लगता तो शायद ऐसी झल्लाहट भी नजर ना आती, क्योंकि सच कड़वा है और कड़वा है, और इसीलिए रिया को चुभ रहा है। अब सीबीआई भी 25 से 30 सवाल पूछेगी और रिया बेनकाब हो जाएगी, क्योंकि सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया।